रोशनी से भर देते हैं सूर्य देव। रोजाना सूर्य की उपासना करना, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि इसके वैज्ञानिक प्रभाव भी हैं। संसार में जीवन सूर्य से ही संभव है, इसलिए आज मैं धर्म आपको सूर्य के पवित्र रत्न माणिक्य के बारे में बताऊंगा। किन लोगों को माणिक्य धारण करने से लाभ होगा ये भी बताऊंगा। परम प्रतापी सूर्यदेव का परम शक्तिशाली रत्न, ज्योतिष का सबसे तेज प्रभावशाली रत्न, देश दुनिया में मशहूर बना सकता है ये रत्न। अच्छी सेहत से भरपूर बना सकता है ये रत्न, क्योंकि ये है सूर्यदेव का रत्न माणिक्य। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिनकी कुंडली में सूर्य से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उनके लिए माणिक्य वरदान साबित हो सकता है। इस रत्न की खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी असर करता है। आज हम आपको इस अद्भुत रत्न की तमाम खूबियां बताएंगे, तो देखिए माणिक्य क्यों है इतना खास। सूर्य अग्नि प्रधान ग्रह है और माणिक्य उसका प्रमुख रत्न है। कुरुंदम समूह का यह रत्न मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। माणिक्य बहुत शक्तिशाली रत्न है और तुरंत असर करता है। आंखों, हड्डियों, हृदय, नाम और यश पर सीधा असर डालता है माणिक्य। माणिक्य कई रंगों का होता है, लेकिन गुलाबी रंग का माणिक्य सबसे उत्तम माना जाता है। हर रत्न हर इंसान के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी राशियों में ग्रहों की दशाएं अलग अलग होती हैं और हर ग्रह का अपना रत्न भी होता है। इसीलिए माणिक्य धारण करने से पहले इसके फायदे और नुकसान के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। लाभ होने पर चेहरा चमकने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। राजकीय कार्य और प्रशासन में विशेष लाभ होता है। पिता और परिवार से रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। अगर नुकसान करे तो लगातार सिर में दर्द होने लगता है। हड्डियों और आंखों से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। अपयश और पारिवारिक जीवन की समस्याएं भी होने लगती हैं। ज्योतिष में हर रत्न को पहनने के लिए कुछ नियम और सावधानियां हैं। गलत समय और गलत तरीके से रत्न धारण करने से फायदे के बजाय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आज हम आपको माणिक्य पहनने के नियम और सावधानियों के बारे में बताएंगे, ताकि ये रत्न आपको भरपूर फायदा पहुंचा सके। माणिक्य गुलाबी या लाल रंग का पारदर्शी होना चाहिए। माणिक्य को सोने या तांबे में पहनना चाहिए। माणिक्य को अनामिका उंगली या गले में रविवार की दोपहर को पहने। माणिक्य के साथ हीरा, ओपल, नीलम और गोमेद न पहने। माणिक्य के साथ पीला पुखराज पहनना सर्वोत्तम होता है। कई बार अपनी जरूरतों के मुताबिक लोग रत्न धारण कर लेते हैं, लेकिन बिना कुंडली दिखाए कोई भी रत्न धारण करना खतरनाक हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सूर्य का रत्न माणिक्य पहनने से पहले ये ज्ञान लेना बेहद जरूरी है कि ये रत्न आपके अनुकूल है भी या नहीं। आइए जानते हैं। कुंडली दिखाकर माणिक्य धारण करना सर्वोत्तम होगा। मेष, सिंह और धनु लग्न में माणिक्य सर्वोत्तम होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न में माणिक्य साधारण परिणाम देता है। वृष लग्न में विशेष दशाओं में माणिक्य पहन सकते हैं। अगर कुंडली नहीं है तो जरूरत के मुताबिक माणिक्य पहने। माणिक्य पहनने से पहले विशेषज्ञ से इसकी जांच जरूर कराएं। गहरे रंग वाले लोगों को माणिक्य विशेष लाभ देता है। माणिक्य से जुड़ी तमाम बातें जो हमने आपको बताई, उनसे आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप सही तरीके से इस रत्न को धारण करेंगे। फिर धीरे धीरे आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियां खुद ब खुद दूर होने लगेंगी और सूर्यदेव की कृपा से संवर जाएगी आपकी जिंदगी। ज्योतिष में रत्नों का विशेष महत्व है, इसलिए कोई भी रत्न धारण करने से पहले
किसी जानकार से कुंडली दिखाना बेहद जरूरी है। अगर कोई इंसान अपनी कुंडली की स्थितियों के विपरीत रत्न धारण कर लेता है तो उसे फायदे के बजाय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को सूर्य का रत्न माणिक्य कतई नहीं पहनना चाहिए। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, संतान प्राप्ति का योग है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, उपहार और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी, भाग्य 71%। वृष, विदेश यात्रा का योग बन रहा है, आपको वाहन का सुख मिलेगा, मुकदमों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग नीला, भाग्य 87%। मिथुन, वैवाहिक जीवन में बाधा आ सकती है, शिक्षा में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य 70%। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, यात्रा से लाभ होगा, घर में कोई मंगल कार्य होगा। शुभ रंग समुद्री हरा, भाग्य 82%। सिंह, अपनी सेहत का ख्याल रखें, किसी भी मामले में संयम से काम लें, धन का बड़ा लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य 73%। कन्या, आज आप वाहन खरीदेंगे, अचानक धन की प्राप्ति होगी, प्रिय व्यक्ति से भेंट का योग है। शुभ रंग सिल्वर, भाग्य 50%। तुला, सेहत में सुधार होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, नौकरी में तनाव से बचें। शुभ रंग लाल, भाग्य 98%। वृश्चिक, संपत्ति का लाभ होगा, संतान प्राप्ति का योग है, उपहार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य 70%। धनु, किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी, धन हानि से अपना बचाव करें, संयम से काम लें। शुभ रंग धानी, भाग्य 64%। मकर, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, यात्रा का योग है, सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला, भाग्य 56%। कुंभ, कोई नया कारोबार शुरू हो सकता है, स्थान परिवर्तन का भी योग दिखाई दे रहा है, आपको मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य 69%। क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, स्थान परिवर्तन का योग है, मान सम्मान मिलेगा।
शुभ रंग ग्रे, भाग्य 44%। कौन सी राशि के लोगों को सूर्य का रत्न माणिक्य नहीं पहनना चाहिए, ये जानने के लिए आपको कुछ देर मेरा इंतजार करना होगा, कहीं मत जाइएगा। अग्नि ग्रह है, इंसान को उग्र बनाता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आपकी राशि के लिए सूर्य का रत्न माणिक्य फायदेमंद है या नुकसानदेह। गौर से देखिए। सूर्य देव का चमत्कारी रत्न माणिक्य आपकी तकदीर बदल सकता है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब ये रत्न आपकी राशि के अनुकूल हो। ज्योतिष के जानकारों की माने कुछ राशियों के लिए माणिक्य धारण करना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए माणिक्य पहनने से पहले जान लीजिए कि आपको माणिक्य पहनना चाहिए या फिर नहीं। कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ लग्न में माणिक्य नुकसान देता है। हाई बीपी या दिल की बीमारी हो तो माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। जिनका संबंध पिता के साथ ठीक नहीं है उन्हें भी माणिक्य नुकसान दे सकता है। शनि से जुड़े क्षेत्रों में तो माणिक्य हरगिज न धारण करें। रत्न इंसान को फायदा पहुंचाने के लिए होते हैं, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल आपकी जिंदगी संवारने के बजाय तबाह कर सकता है। इसीलिए माणिक्य या कोई भी दूसरा रत्न धारण करने से पहले विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब मेरे जाने का वक्त आ गया। अब मैं चलता हूं। कल मैं आपको शनि और उनके अंक 8 के संबंध के बारे में बताऊंगा। मुझे मालूम है कि आप मुझसे मिलने कल जरूर आएंगे।